हेलो एवरीवन, आज के स्टूडियो में हम लोग बात करेंगे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईस के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जिसमें जोसा के थ्रू आप काउंसलिंग करके एडमिशन ले सकते हो। जेई मेन का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। जेई मेन काउंसलिंग बोल सकते हो, जोसा काउंसलिंग बोल सकते हो, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है और काउंसलिंग किस तरह से होता है समझेंगे इस वीडियो में। देखो, 2020 में जो जोसा है, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ये आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में आपको सीट प्रोवाइड करती है, एडमिशन देती है आपके जेई मेन के रैंक के थ्रू, और जेई एडवांस के एग्जामिनेशन के थ्रू आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो। तो इसमें आपको जोसा में ही काउंसलिंग करना होगा। 2020 में टोटल 6 राउंड के काउंसलिंग हुए थे और उसके बाद जो वैकेंट सीट रह गया था उस पर स्पेशल काउंसलिंग हुआ था। एनआईटी प्लस सिस्टम में सीएससीबी में भी काउंसलिंग हुआ था, तो इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, जो आपका जेई मेन का रिजल्ट है ये ऑलरेडी आ चुका है, तो जो भी बच्चे जेई मेन में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं वो जोसा में अपने काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए सर्च कर रहे हैं, यानी कि एडमिशन के लिए सर्च कर रहे हैं। एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज के लिए, तो इस वीडियो में समझेंगे। और जो बच्चा जेई मेन क्वालिफाई कर लिया है वो जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहा है, साथ में जोसा काउंसलिंग के बारे में भी रिसर्च कर रहा है एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखो और सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। देखो, जोसा क्या है ना कि एक माध्यम है जिसके थ्रू आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। तो जोसा किस तरह से काम करता है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, यहाँ देख सकते हो जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी इनका फुल नेम है, फुल फॉर्म है। जोसा एक कंडक्टिंग बॉडी है जो कि जॉइंट कॉमन काउंसलिंग है, जिसमें आप जेई मेन के एग्जामिनेशन के बाद, जेई मेन एग्जामिनेशन जिन बच्चों ने भी जेई मेन एग्जामिनेशन दे दिया है वो यहाँ पे, और जो जिन बच्चों ने भी जेई एडवांस एग्जामिनेशन दे के क्वालिफाई होंगे, जेई मेन और जेई एडवांस क्वालिफाई होंगे, वो एडमिशन ले पाएंगे। ये कॉमन काउंसलिंग है जिसने आपको सिर्फ एडमिशन दिया जाता है 31 एनआईटीज में, 31 एनआईटी में, इसके साथ ही आईआईएसटी शिवपुर में भी, 26 ट्रिपल आईटी में और 29 अदर जीएफटीआईज में जेई मेन के थ्रू। और इसके अलावा जो आपके आईआईटीज हैं 23 आईआईटीज, उसमें जेई एडवांस एग्जामिनेशन आप अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको जेई एडवांस के थ्रू आईआईटीज में एडमिशन मिलेगा। तो जूसा के थ्रू ही आपका काउंसलिंग होगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है। इसके बारे में और समझते हैं। जूसा के बारे में आपने समझा, जो आपका जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, देन उसके बाद चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग के बाद मॉक अलॉटमेंट होता है, मॉक सीट अलॉटमेंट, देन फाइनल सीट अलॉटमेंट। और टोटल जो ये प्रोसेस है, जोसा का काउंसलिंग प्रोसेस 6 राउंड में 2020 में हुआ था, 2021 में भी आपका 6 राउंड में हो सकता है। इसके अलावा इसके डेट्स, तो जोसा का काउंसलिंग जब आपका स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा उसके बारे में समझ लो। जो काउंसलिंग डेट है, टेंटेटिव काउंसलिंग डेट है, वो जे एडवांस एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद, जे एडवांस का जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि तभी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन होगा। तो 15 अक्टूबर को आपका जे एडवांस का रिजल्ट आएगा और उम्मीद है कि 16 अक्टूबर से आपका जोसा का काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट है, अंदाजा लगाया जा रहा है, कोई अभी ऑफिशियल शेड्यूल नहीं आया है, तो 16 अक्टूबर से आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ सकता है। देखो, जोसा में काउंसलिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ें की ज़रूरत होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको रिसर्च वर्क करना है, जेई मेन में आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें मांगी गई हो, तो ये सारा चीज़ आपका ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है आपके फॉर्म में, तो ये सभी चीज़ नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, तो आपको जो आपको कोर्स चाहिए इसके बारे में रिसर्च करना है और कॉलेज के बारे में रिसर्च करना है। तो आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको कौन सा कोर्स चाहिए इसके बारे में आपको रिसर्च करना है, अपना ब्रांच चेक कर लेना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें देख लेनी है। इसके अलावा आपको कौन सा कॉलेज लेना है, एनआईटी में बहुत सारे एनआईटीज हैं, तो कौन सा एनआईटी आप प्रेफर करना चाहते हो, ये भी आपको देखना पड़ेगा। आपके रैंक के हिसाब से आपके टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा, तो ये रिसर्च वर्क है। इसके अलावा देखो, जो भी आपके टॉप कॉलेज हैं और जो कोर्स आप लेना चाहते हो उसके लिए रिसर्च वर्क पहले से करके रखो, कौन सा रैंक पे कितना आपको कॉलेज मिल सकता है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे जोसा एक काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग करते समय आपको कौन सा एनआईटी कहाँ पे रखना है, कौन से पोजीशन पे और कौन सा कोर्स रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा।
2021 में हम लोग अभी प्लानिंग चल रही है काउंसलिंग करने के लिए, हम लोग भी आपका काउंसलिंग करेंगे। हमारे साथ कुछ हमारे आईआईटीज के भाई हैं, वो भी आपका काउंसलिंग करेंगे। तो ये हम इसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, देख सकते हो आप एग्जीक्यूट होगा। आप कमेंट करके बताना क्या आप काउंसलिंग करवाना चाहोगे हम लोग से। तो जो आईआईटी के हम लोग के फ्रेंड हैं वो काउंसलिंग आपके करेंगे, पूरी टीम बैठेगी। तो आप कमेंट करके बताओ क्या आप काउंसलिंग कराना चाहते हो। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको कट ऑफ के वीडियो मिल जाएंगे, कौन सा रैंक पे कौन सा एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिलेगा और कौन सा ब्रांच मिल सकता है, तो वो रिसर्च कर लो। इसके अलावा जो आपके ड्रीम कॉलेज हैं, टॉप कॉलेज हैं आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में, तो उसके बारे में भी आप सर्च जरूर से करो। आपको रिसर्च वर्क करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है आपके रैंक पे। अब देखो जो सा काउंसलिंग प्रोसेस होगा तो उसके लिए भी कुछ प्रोसेस होती है, तो वो समझते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना, अगर आप मिस्टेक करते हो तो आपको दोबारा सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। अब समझ लेते हैं क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले आपका स्टेप वन में रजिस्ट्रेशन होता है। जो भी बच्चे जेई मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए रहते हैं, जेई एडवांस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए रहते हैं, वो एलिजिबल होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है आपका, वो है आपका रजिस्टर करना। जेई मेन के एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होगा, जो पूरा काउंसलिंग होगा उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक बार होगा। जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक बार होगा। सेकेंड स्टेप है आपका चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में क्या करना है आपको, आपके जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज यानी कि ब्रांच, कौन सा ब्रांच चाहिए और कौन सा कॉलेज चाहिए, आपके रैंक के बेसिस पे कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच अवेलेबल है, वो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद मॉक सीट अलॉटमेंट रिलीज की जाएगी, जो कि जोसा के ऑफिशियल्स के द्वारा रिलीज जाएगी। तो जोसा के ऑफिशियल्स 2020 में दो आपके मॉक सीट अलॉटमेंट रिलीज किए थे, जिसमें आपको पता चलता है कि क्या आप अपने चॉइसेस को ऊपर कर सकते हो, क्या आपको सीट मिला कि नहीं। तो आप वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होता है कि आपने कोर्सेज और ब्रांच और कॉलेजेस को आप फिर से अपग्रेड कर पाओ, यानी कि अगर आप रीअरेंज करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है कि सीट अलॉटमेंट आपका होगा कि नहीं, वो आपको इस मॉक सीट अलॉटमेंट से पता चलता है। देन उसके बाद फाइनल सीट अलॉटमेंट होता है, जो आपका रैंक होता है उसके बेसिस पे फाइनल सीट अलॉटमेंट होता है। आपको वहाँ पे सीट प्रोवाइड किया जाता है, तो सीट प्रोवाइड करने के बाद आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करना होता है। उससे भी पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। आपको सीट को एक्सेप्ट करना होता है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उसके बाद कुछ ऑप्शंस आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको फ्रीज करने का ऑप्शन होता है, क्या आप अपने सीट को सुरक्षित रखना चाहते हो। इसके अलावा अगर आप अपने सीट को अपग्रेड करना चाहते हो और नेक्स्ट राउंड के लिए आप आगे प्रेफर करना चाहते हो, आपको फ्लोट का ऑप्शन चूज करना पड़ता है। देन उसके बाद एक और ऑप्शन है स्लाइड का ऑप्शन। आपको मान लो उस कॉलेज में सीट मिल गया लेकिन आप और अच्छा ब्रांच चाहते हो उसी इंस्टीट्यूट में, सेम इंस्टीट्यूट में अगर आप और अच्छा ब्रांच चाहते हो तो आपको स्लाइड का ऑप्शन चूज करना पड़ता है। इन तीनों में से कोई ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता है। सीट कंफर्म करना है तो कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करो, देन फ्रीज के ऑप्शन पे क्लिक करना कंफर्म करने के लिए। इसके अलावा फ्लोट का ऑप्शन चूज कर सकते हो और स्लाइड का ऑप्शन चूज कर सकते हो। जो भी बच्चा अपना सीट कंफर्म कर लेता है, अलॉटेड सीट हो जाता है, उनको सीट अलॉट कर दिया जाता है, उसके बाद उनको सीट एक्सेप्टेंस फी देना पड़ता है। तो काउंसलिंग प्लेसेस में सीट कंफर्म करने की आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देना होगा। तो जो कि रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी जैसे कि आपका एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, इनको 15,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है सीट कंफर्म करने के लिए। इसलिए ये होता है कि उनका सीट कंफर्म हो गया और ये जो फीस है ये आपका कॉलेज में एडजस्ट कर दिया जाएगा बाद में, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, उनको 35,000 रुपीज़ फी देना पड़ता है। ये आपका जो फी है इसको एडजस्ट कर दिया जाता है एकेडमिक फी में। और जो ये फी है इसमें 2,000 रुपये आपके जोसा के प्रोसेसिंग फी होते हैं। वैसे तो जोसा का काउंसलिंग फ्री होता है, लेकिन जिनका सीट अलॉटमेंट होता है उनको 2,000 रुपये का फीस देना जरूरी होता है, तभी आगे की प्रक्रिया की जाती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। और देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, जोसा के थ्रू ही आप काउंसलिंग करा सकते हो। कोई भी अगर आपको बोलता है कि मैं काउंसलिंग करा दूंगा, एनआईटी आईआईटी में एडमिशन दिलवा दूंगा, तो वैसा कुछ भी नहीं होता। जेई मेन के रैंक पे, जेई एडवांस के रैंक पे आपका जोसा में काउंसलिंग होगा। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं जोसा में काउंसलिंग कर पाएंगे। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो इसके बाद देखो, जोसा काउंसलिंग के बाद जो भी वैकेंट सीट रह जाती है एनआईटी ट्रिपल आईटी में, उसके लिए स्पेशल काउंसलिंग होता है एनआईटी प्लस सिस्टम के तहत, जो कि सीएसएबी करता है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। सीएसएबी भी एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है या फिर कह लो मीडियम है, जिसके थ्रू काउंसलिंग किया जाता है। तो ये पूरा जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस था।
और मैं आपको बता दूं 15 सितंबर को आपका ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है बीटेक पेपर 1 का, और बीटेक पेपर 2 का भी बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। 44 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है, और टोटल 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फर्स्ट रैंक जिन्होंने लाया है। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बता दें जो कि यूनिक कैंडिडेट्स जो अपियर हुए थे एग्जामिनेशन में, वो 9,39,008 कैंडिडेट्स अपियर हुए थे। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो जोसा में है वो भी आपको बता दूं, जोसा में टोटल नंबर ऑफ सीट देख सकते हो 34,769 सीट्स हैं, इंक्लूडिंग सुपर न्यूमरी सीट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स जो कि अपग्रेड किए गए हैं सारे कॉलेज में। तो ये पूरा अपडेट था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम ऐप पर सर्च कर लो @palavastudent। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।